शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बुधवार को राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिले के शिक्षा अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी सहित अजमेर के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य और प्राध्यापक शामिल हुए। देवनानी ने सभी शिक्षा अधिकारियों और शाला प्राचार्यों को निर्देश दिए कि शिक्षा में गुणवत्ता और शिक्षा के परिणाम को लेकर सभी प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को चिंतन करना होगा। अपने कक्षों में कुर्सियों पर बैठने मात्र से शिक्षा का विकास नहीं होगा। उन्होंने गत वर्ष के परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन करने और आगामी वर्ष में राजकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए। अजमेर शहर के सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी स्मार्ट बने और उनका शिक्षा के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन बढ़े, उस दृष्टि से आज मोटिवेशन की दृष्टि से और पूछताछ की दृष्टि से मीटिंग हुई। उसमें पहला बिंदु था बोर्ड के परीक्षाएं। मैंने हर प्रिंसिपल को कहा है कि मूल्यांकन करे गत वर्ष उसका परीक्षा परिणाम क्या रहा, इस वर्ष का उसने क्या टारगेट रखा है और दसवीं और बारहवीं के बच्चों को उस परीक्षा में शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम लाने के लिए वह प्रयत्न करे। कहीं यदि अध्यापक नियत और डीओ को निर्देश दिए कि पास के स्कूल से एक महीने की कोई व्यवस्था करे और उस व्यवस्था में भी कमी आती है तो हमने जो स्कूल का बॉयज फंड है उस पर इनको अनुमति दे रखी है कि वह उस विषय का अध्यापक स्वयं अपने स्तर पर नियुक्त करके उस विषय की पढ़ाई करवाएं। इस बैठक के बाद देवनानी ने प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, सभी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बैठक में शामिल हुए और वार्षिक परीक्षाओं सहित शिक्षा के उन्नयन पर चर्चा की। कुल मिलाकर के सारे स्कूलों के अंदर लैब सक्रिय बने, वह उसकी वहां पे वर्किंग में रहे और वहां पर इंटरनेट कनेक्शन का बच्चे उपयोग करें, कितने बच्चे उपयोग करते हैं इसको भी व्यवस्थित चिंता करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों का मोटिवेशन करें। यानी स्कूल के टॉयलेट्स मजबूत बने और जिन स्कूल में टॉयलेट नहीं है उनको हमने IIRC से, यहाँ के कुछ स्कूल उन्होंने गोद लिए हैं, और कुछ सामाजिक सरोकारों से, यानी जून से पहले मेरे सारे स्कूलों के अंदर बच्चियों और बच्चों के टॉयलेट्स का निर्माण हो जाएगा और वो स्वच्छ रहें, इसकी सारी व्यवस्था आज हमने तय की। स्पष्ट है कि सरकार इस समय जो अध्यापक प्रिंसिपल अच्छा काम करेंगे उनको प्रोत्साहन देंगे और जो उसमें भाग नहीं लेंगे तो उनके पास सिस्टम के अनुसार हम उस पर निश्चित रूप से उचित कदम उठाएंगे।